बनी रही। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको आड़ू का शरबत बनाना सिखा रही हूँ। पीज का शरबत है ये बहुत आसान है, बहुत मज़े का भी होता है। इसके लिए मैंने छः आड़ू ली है, हाफ कप मैंने चीनी ली है, पिंच मैंने सॉल्ट लिया है, आइस क्यूब ली है और एक गिलास मैं डालूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो दो गिलास डाल दूँगी। तकरीबन दो गिलास जो है वो ऑलरेडी पीच का पेस्ट बन जाएगा। तो अब मैंने एक जूसर में अपने पीचेस को फिलअप करके उसके छिलका उतार के कट करके डाल दिए हैं। अब इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, पिंच सॉल्ट है, बहुत थोड़ी सी मतलब चुटकी के बराबर मैंने सॉल्ट डाला है इसमें। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, चीनी मेरे थोड़ी सी जो आड़ू है उस इतनी ज़्यादा मीठे नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल रही हूँ, हाफ कप है, आप 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब मैंने आइस क्यूब डाले हैं, अब मैं ब्लेंडर चलाऊँगी, जूसर ब्लेंडर, और इसका स्मूथ सा एक प्योरे बनाऊँगी, पानी में बाद में ऐड करूँगी। पीच की तासीर बहुत ठंडी होती है, आप खाएं आपके स्टमक के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, हाजमा आपका ठीक होगा। अब इसमें मैंने तकरीबन एक गिलास मुझे चाहिए था, क्वेंकि जो मेरा जूसर जार है उसमें पीच का पेस्ट तकरीबन एक गिलास रिमेनिंग था, तो मैंने सिर्फ एक गिलास डाला है इसमें। अगर मुझे लगा कि पेस्ट बहुत थिक है तो फिर मैं थोड़ा सा और डालूँगी, अदरवाइज़ मेरा जो जूस है बिल्कुल उसका स्मूथ सा बन चुका है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी जग में, ये थोड़ा सा थिक था तो मैं तकरीबन हाफ ग्लास मैंने जग में पानी रखा था, इसके साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। वो मेरे एक मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग आड़ू का जूस बिल्कुल तैयार है, आप बच्चों को पिलाएं उनके लिए भी हेल्दी है, बड़े भी पिए, बहुत मज़े का है, स्टमक को ठंडा रखेगा और फ़ायदेमंद है इन सेंस के आप अच्छा फील करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बताएं कि आपको मेरी पीच की जूस की शरबत की रेसिपी कैसी लगी। पुख्तनों दपारा मैं शपग शलतलान वागस्तु दाई ने मिसरमन को ले रिकड़ा स्किन में जुदा कर नो दागे न पस मदा पे जूसर के वाचौलो चीनी में और क्यों चौला इसकी में वाचौल ने कमाल के में और क्यों वाचौला और ख़त तरीके से रमा लग जूस जो हुई इस तो दागे न पस मदे की हुई गिरा वो शामिल इकड़े द वो सरा दा चमा ब्या जग तर ट्रांसफर को नो दा लपटिन गोदे के माई नीम गिला सुबह नो रिवाचौले और जमा मज़ेदार शांत जूस तैयार थे कहता सो जमा पर चैनल बने नहीं है तो प्लीज़ जमा चैनल लाइक के सब्सक्राइब के शेयर के और कॉमेंट्स भी हो के चिता जमा वीडियो संगे लगी। थैंक यू।